इस दिनों ऐसे वीडियोस देखकर खुदा की कसम दिल खून के आंसुर हो रहा है कि एक तरफ जो है पंजाब डूब रहा है, सिंध डूब रहा है, बलूचिस्तान डूब रहा है। और ये वीडियो मैं इसलिए उर्दू में भी कर रहा हूँ कि ये शख्स जो है, ये जो पैसे उड़ा रहा है पीरों और मुरीदों के ऊपर कवाली के मैदान लगाकर, ये मुझे पंजाबी लग रहा है। तो इसलिए ये वीडियो मैं उर्दू में कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो कोई इसको इस तक पहुँचाए कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। खुदा की कसम वहाँ लोग जो है सैलाब को तो एक तरफ करो, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, एक टाइम का खाना उसको नहीं मिल रहा, और आप यहाँ पर कवाली का मैदान लगाकर पीर और मुरीदों के ऊपर ये पैसे उड़ा रहे हो। ये आपको खुदा ने दी है, खुदा आपसे इसके बारे में पूछेगा कि एक तरफ मेरी मखलूक ऐसे मुश्किल में थी और दूसरी तरफ आप मैदान लगाकर मस्तियाँ कर रहे हो और पीर और मुरीदों के ऊपर पैसे उड़ा रहे हो। ये आपसे पूछा जाएगा। आपको अल्लाह ताला ने ये माल इसलिए नहीं दिया है कि आप जो चाहे जो मर्जी वो करो। खुदा आपसे पूछेगा क़ियामत के दिन क्या जवाब दोगे आप रब के सामने। एक तरफ मुसलमान किस तकलीफ़ में है, उसके जो माल मवेशी है वो सब बह गए, उसकी कीमती जाने चले गए, अब इसको एक तरफ पे रख के उसके सर पर छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं, एक टाइम का खाना इसको सही तरह के नहीं मिल रहा। मुसलमान भाइयों, ये वक़्त है, ये इम्तिहान की घड़ी है हम सब पर कि हम जाके इन लोगों के साथ मदद करें, इसको एक टाइम का खाना दें, एक टाइम का खुराक इसको पहुंचाएं हम। ये नहीं है कि वो लोग इस मुश्किल और आजमाइश में आए हैं और हम यहाँ पर मज़े करें। खुदा का निज़ाम तो बहुत अजीब है, यहाँ पर आप पर भी आज़ाब मुसल्लत करता है, कर सकता है, लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी है, खुदा देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक तरफ मुश्किल और दूसरी तरफ राहत, ये राहत वाले इस मुश्किल में आने वाले के साथ क्या कर रहा है, जो मुश्किल में पन से है इस लोगों के साथ इसका रवैया कैसा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब ये इम्तिहान की घड़ी है खुदा रा, ये जो आप ये अमल करते हो और पैसे उड़ाओ और मज़े करो, ये वक़्त इसका नहीं है। जाओ इसका हाल पूछो, जाओ थोड़ा सा सिंध देख कर आओ, कराची तो नहीं है, पंजाब देख के आओ, सिंध देख के आओ, बलूचिस्तान देख के आओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात है उस वक्त।